Hello everybody, good morning, you are welcome, Zoology with Dr. S.K. Saini. हम आज एक नए टॉपिक के साथ में आपसे रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं. ऐसा टॉपिक है जो नीट का बॉम्ब कहते हैं इसे, या हायर एग्जाम की बात करें अपन, नेट की बीएससी एमएससी जूलॉजी का ऐसा टॉपिक है जो कंसेप्ट के साथ में अपन इसको खोलेंगे. और यदि इसके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो ये टॉपिक है तो उसके हर क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे. और यदि इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई अन्य टीचर हो या कोई भी हो, तो केवल यदि रट के वर्डिंग को रट के और उस चैप्टर को तैयार कर रखा है तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होते हैं. यही एक कारण होता है कि अपन चैप्टर कई बार तैयार कर लेते हैं अच्छा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर न होने के कारण, बट आप में कॉन्फिडेंस है कि हमने पूरा तैयार कर लिया, कंसेप्ट क्लियर न होने के कारण क्या है, फिर एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते और उसके बाद में हम ये कहते हैं, शिकायत करते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया. एक्चुअल में क्वेश्चन चैप्टर की डेप्थ से होता है, चैप्टर के कंसेप्ट से होता है. तो ऐसा ये एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, या एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें उसका चैप्टर है, जिसे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं. तो हम आज स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसे क्लास 12th या नीट के टॉपिक के रूप में अपन देखें तो ब्रीदिंग के नाम से अपन जानेंगे, या अपन इसे कहते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज, इसे अपन कह सकते हैं. ये तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज जो वर्ड लिया है यहाँ, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये यहाँ पर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है. तो यहाँ अपने को समझना होगा कि रेस्पिरेशन क्या है या ब्रीदिंग क्या है. तो एक जनरल लैंग्वेज में अपन कहते हैं कि जो एयर है, वायु है, श्वास की जो क्रिया है वो क्या किससे संबंधित है, रेस्पिरेशन से संबंधित है, ब्रीदिंग से संबंधित है, वातावरण से, एनवायरमेंट से गैसेज का अंदर लेना और अपने लंग से गैसेज को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है ये. तो इसमें अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या अपन श्वास ले रहे हैं तो कौन सी गैसेज ले रहे हैं, तो क्या सभी गैसेज श्वास के साथ में यहाँ जा रही है या कुछ गैसेज श्वास के साथ में जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है. तो देखिए, जितनी आपने आसपास के एनवायरमेंट में गैसेज जितनी है, अपन श्वास की क्रिया, श्वसन क्रिया, स्वातन की क्रिया कर रहे हैं, ब्रीदिंग की क्रिया कर रहे हैं, तो ऑल गैसेज आर एंटर इन द लंग्स बाय इनहेलेशन प्रोसेस. तो ये है कि यह क्वेश्चन बनता है यार. तो यहाँ साथ में आप कहोगे कि श्वास लेते समय केवल कौन सी गैस जाती है, तो अपन छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अपन श्वास ले रहे हैं, इनहेलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग कर रहे हैं अपन, तो उसमें आसपास जो सराउंडिंग जो एनवायरमेंट है उसमें जो गैसेज है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये मेजर गैसेज है यहाँ पर, जो बॉडी के अंदर या इनहेलेशन के टाइम है जब श्वास ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं या निश्वसन कर रहे हैं, उस समय अंदर जाती है. तो मैक्सिमम गैस है वो नाइट्रोजन यहाँ जाती है, इसके बाद में ऑक्सीजन भी जाती है और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ कुछ मात्रा होती है, वो भी अंदर एंटर करती है. यदि कार्बन मोनोऑक्साइड सराउंडिंग है तो वो भी अंदर एंटर कर जाती है यहाँ. ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, तो ये क्या मिथ्या भ्रम है कि केवल अपन ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा कोई फिल्टरेशन नहीं कर रहा कि ऑक्सीजन अंदर चली जाए और अन्य गैस बाहर रह जाए ऐसा. और ऐसे ही अपन क्या एक्सहेलेशन कर रहे हैं या श्वास बाहर निकाल रहे हैं, बहिर्श्वसन कर रहे हैं, तो उच्छ्वसन कर रहे हैं, उस समय भी क्या होता है अपने अंदर कि आपसे क्या ऐसा अपन पढ़ते हैं कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऐसा नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट और मिल जाती है, ज्यादा होती है, निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन भी निकलती है. यदि कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में है तो वो भी यहाँ पर निकलती है और नाइट्रोजन है वो भी निकलती है. तो यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या नाइट्रोजन बॉडी में लंग्स तक ही जाती है या लंग्स से आगे भी बॉडी में जाती है, तो एक क्वेश्चन बन जाता है ये. तो इसका आंसर आप ढूंढोगे, देखोगे, अपन आगे टॉपिक आएगा इसको और अपन आगे डिटेल करेंगे, लेकिन आपके लिए भी ये क्वेश्चन छोड़ता हूं कि क्या नाइट्रोजन लंग्स तक ही जाती है या नाइट्रोजन आगे बॉडी में भी जाती है. लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि लंग्स तक जो जा रही है, दो गैसों की मैं बात करूंगा, एक ऑक्सीजन लंग्स तक तो जाएगी लेकिन वहां से डिफ्यूज होकर ब्लड में एंटर कर जाएगी, फिर ब्लड से सर्कुलेट होकर टिश्यूज तक जाएगी,
टिश्यूज है वो यहाँ रिवर्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वो ब्लड से सर्कुलेट होके यहाँ पर लंग्स तक आएगी। इस प्रकार एक्सचेंज ऑफ द CO2 एंड ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स एंड लंग्स टू टिश्यू, तो ये बाय ब्लड होगा, थ्रू ब्लड होगा, तो ये एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ब्रीदिंग के लिए जो गैस है मेनली जो ब्लड के अंदर जो यहाँ पर डिजोल्व फॉर्म में यहाँ मूवमेंट कर रही है, मेनली यहाँ पर टू गैस है, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए इन दोनों गैस को अपन रेस्पिरेटरी गैस के नाम से जानते हैं। वैसे बॉडी के अपने एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसेज है, लेकिन रेस्पिरेटरी गैस है वो दो ही कहा गया है, क्योंकि दोनों गैस है वो अपने फूड के ऑक्सीडेशन में यहाँ पर हेल्पफुल है। ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन में हेल्पफुल है और इसके रिजल्टेड एटीपी बनती है और एटीपी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है साइकिल के द्वारा, तो वो क्या है वहां से निकल रही है। इसलिए दोनों गैस है वहां से रिलेटेड है, तो इन दोनों गैसों को अपन रेस्पिरेटरी गैसेज कहेंगे। यहाँ रेस्पिरेशन की आवश्यकता क्यों हुई, तो जिसे डाइजेशन अपन करते हैं, तो फूड जब इंटेक किया, फूड का डाइजेशन हुआ, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को लिया, जैसे एक एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो अपन एक स्टार्च के रूप में या सुक्रोज के रूप में, माल्टोज के रूप में अपन फूड को, या लैक्टोज शुगर के रूप में अपन शुगर यहाँ ले रहे हैं। अल्टीमेट ये डाइजेस्ट होगी ग्लूकोज में या कन्वर्ट होगी या फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगी, ये क्या है फिर थ्रू म्यूकोसा लेयर है वो ब्लड के अंदर आएगी, ब्लड से एसिमिलेशन होगा या टिश्यूज या सेल्स के अंदर पहुंचे। अब सेल क्या कर रही है यहाँ, अब सेल देखिए यहाँ पर इसको ब्रेकडाउन करेगी, यहाँ उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी, एंड ब्रेकडाउन करने से यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ एटीपी रिलीज होगी, जो अपने शरीर की कार्य प्रणाली अपने फिजियोलॉजी के लिए जो चाहिए वो एनर्जी वहां से रिलीज होगी, और साथ में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं और एटीपी को अपन काम में ले लेते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी इवेंट हो रहा है, घटना हो रही है डाइजेशन के बाद, अब्सॉर्प्शन के बाद, एसिमिलेशन के बाद जो घटना घटित हो रही है, उस घटना को अपन क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे यहां पर। तो एक्चुअली में यहां दो वर्ड आए, यहां दो शब्द अपन काम में ले सकते हैं, फर्स्ट इज ब्रीदिंग और सेकंड इज रेस्पिरेशन। तो इस चैप्टर को हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में अपन करें यहां, तो ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, इन दोनों वर्ड्स में आपको यहां डिफरेंट जो डिफरेंसेस है वो आपको समझना है, दोनों एक शब्द नहीं है, ब्रीदिंग अलग शब्द है, रेस्पिरेशन अलग शब्द है यार। तो ब्रीदिंग किसको कहेंगे, तो ब्रीदिंग का मीनिंग है यहां पर एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 फ्रॉम एनवायरमेंट टू लंग्स एंड लंग्स टू एनवायरमेंट बाय द रेस्पिरेटरी पाथ, इसको अपन कहेंगे यहां पर ब्रीदिंग। यहां फेफड़े तक, लंग्स तक जो गैसेज जा रही है, O2 आ रही है फ्रॉम एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट से वहां जा रही है, वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपन पासेज कर रही है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो इस घटना को अपन क्या है, ब्रीदिंग कहेंगे यहाँ। ब्रीदिंग उसके बाद में क्या होगा, जो ऑक्सीजन अपन ने ली वो यहाँ एल्वियोली के द्वारा ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड में डिफ्यूज होगी और ब्लड से टिश्यूज में जाएगी, फिर टिश्यूज में जाके वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। तो अपन कह सकते हैं ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग नॉट ए रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, एक रेस्पिरेशन का ही एक भाग है यहाँ पर, जो कंप्लीट प्रोसेस जो हो रही है एनवायरमेंट से गैसेज है वो मूवमेंट करके टिश्यूज तक जा रही है, सेल तक जा रही है, और सेल से यहाँ पर यह मूव करके एनवायरमेंट तक आ रही है, तो कंप्लीट प्रोसेस को अपन क्या है, रेस्पिरेशन कहेंगे। अब कहां रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मेनली, या तो अपन कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। टोटल जो रेस्पिरेशन है उसको अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है, बाह्य श्वसन है, वो एक ऐसे ब्रीदिंग है जिसमें बाह्य वातावरण से O2 फेफड़े तक जाती है, लंग्स तक जाती है, इनहेलेंट ऑफ द O2 फ्रॉम एनवायरमेंट टू लंग्स एंड वाइस वर्सा ऑफ द CO2, एंड द CO2 एक्सहेलेंट फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम लंग्स टू एनवायरमेंट। तो ये जो यहां पर एक्सचेंज हो रहा है, इससे श्वसन को अपन कहते हैं बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद में जो गैसेज है वो इंटरनल रेस्पायर करेगी। इंटरनल रेस्पिरेशन का मीनिंग है कि जैसे लंग्स के अंदर मैं यहां पर बताऊं कि ये लंग्स है, लंग्स की एक एल्वियोली लूंगी, ये एल्वियोली है, ये एक एल्वियोली है, इस एल्वियोली के पास में यहां पर एक कोई ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है,
तो यहां पर आपने O2 यहां पर ली, ये O2 यहां पर डिफ्यूज होती है ब्लड के अंदर, और ब्लड से यहां पर CO2 डिफ्यूज होती है या एल्वियोलाई के अंदर या लंग्स के अंदर। तो इस प्रकार से ये एक्सचेंज ऑफ द O2 एंड CO2 इन द लंग्स टू ब्लड एंड ब्लड टू लंग्स ये हो रहा है। तो ये एक्सचेंज होने के बाद में किस मेथड से हुआ, डिफ्यूजन मेथड से। एक्सचेंज होने के बाद में फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द O2 एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द CO2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड टिश्यू टू लंग्स, ये CO2 ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ऐसे रेस्पिरेशन को अपन कहेंगे यहां पर इंटरनल प्रकार का रेस्पिरेशन। तो ये बात आपके यहां समझ में आई होगी। इसके बाद में तीसरे प्रकार का रेस्पिरेशन है जिसे अपन सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग है कि सेल के अंदर है वो CO2 एंटर करेगी, जैसे ही एंटर करेगी तो अंदर पहले से ग्लूकोज पहुंचा हुआ है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया पहले होती है, उसके बाद में पायरिक एसिड बनता है, पायरिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके और वहां पर क्रेब साइकिल करता है, क्रेब साइकिल प्रोटीन्स ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ, तो जिससे अपने एंड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर ATP और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है। ATP अपने बॉडी की वर्किंग में काम आती है, फिजियोलॉजी की प्रोसेस में काम आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने रिमूव देते हैं बाहर की साइड में। तो ये जो सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है इस प्रकार की ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको अपन कहेंगे यहां पर सेलुलर प्रकार का रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार से अपन रेस्पिरेशन को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक घटना या रेस्पिरेशन की हुई, ब्रीदिंग इसका एक पार्ट है। तो ये बात यहां पर समझ में आपकी आई होगी, ये ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। इसके बाद में यहां पर कई बार आता है कि नेचर के अंदर एनिमल के केस में अपन देखें तो एनिमल में जो रेस्पिरेशन होता है मोस्टली टू टाइप का रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर टू टाइप का कौन कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एक रेस्पिरेशन को अपन कहेंगे एरोबिक प्रकार का रेस्पिरेशन, दूसरी रेस्पिरेशन को अपन कहते हैं एनएरोबिक प्रकार का रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग है वायवीय प्रकार का श्वसन, एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कहेंगे अपन अवायवीय प्रकार का श्वसन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन एनिमल बीइंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक फॉर वायवीय और एनएरोबिक फॉर अवायवीय। वायवीय का यहां मीनिंग है द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अवायवीय का मीनिंग है यहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन हो रहा है, या जिससे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है। अब वायवीय को एनिमल के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बेस पे और गैसेज के एक्सचेंज के बेस पे द एरोबिक रेस्पिरेशन विल बी डिवाइडेड इन टू पोर्शन, फर्स्ट इज डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड इज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वन इज डायरेक्ट एरोबिक और सेकंड इज इन डायरेक्ट प्रकार का एरोबिक रेस्पिरेशन। डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रकार का अपन कह सकते हैं। तो डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट का मीनिंग है कि ऐसे एनिमल जैसे कोई भी एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल की बात की रही है कि यूनिसेलुलर एनिमल है जिसका नाम अपन कह सकते हैं अमीबा है, इस अमीबा में ले सकते हैं। इसी प्रकार स्पंज अपन ले सकते हैं जो यहाँ मल्टी सेलुलर है लेकिन यहां पर भी क्या डायरेक्ट टाइप का रेस्पिरेशन होता है। तो ये एक अमीबा है, इस अमीबा में आप देखिएगा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये डायरेक्टली यहां पर O2 को अंदर इंटेक करता है और यहां से CO2 को ये एक्सेलेंट करता है, बाहर निकालता है थ्रू डिफ्यूजन मेथड। तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को अपन डायरेक्ट टाइप का करते हैं। मोस्ट ऑफ लोअर एनिमल है वो रेस्पायर कर रहे हैं बाय द डायरेक्ट मेथड या। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड में प्रोटोजोआ के एनिमल इसी का एग्जाम्पल है, इसके बाद में स्पॉन्जेज है वो इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। स्पॉन्जेज के अंदर कह सकते हैं कि कोई भी एक स्पॉन्ज है, इसके अपन इस प्रकार से बॉडी सरफेस के द्वारा ये रेस्पायर कर रहे हैं, ये तो इसमें यहाँ ऑस्टिया होते हैं, ऑस्टिया के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑस्कुलम के द्वारा यहाँ बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ होता है डायरेक्ट प्रकार का, किसी प्रकार का अपन यू कह सकते हैं कि यह स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन द एनिमल, दीज एनिमल रेस्पायर बाय द डायरेक्ट मेथड, द डायरेक्टली O2 इनटेक इन द सेल एंड द CO2 डायरेक्टली एग्जिट फ्रॉम द सेल बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड बॉडी सरफेस, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जिसे अपन कहेंगे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऐसे रेस्पिरेशन में ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर होता है,
कॉम्प्लेक्स एनिमल में भी कहां होता है, जिनमें यहां रेस्पिरेटरी सरफेस की जरूरत होती है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत होती है, जहां पर डायरेक्ट टिश्यू तक है वो ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है। ऑर्गन पहले क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, उसके बाद में फिर ब्लड की आवश्यकता होती है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है उस ऑक्सीजन को, फिर वह ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचेगी और टिश्यूज से वो ऑक्सीजन फिर ब्लड में आएगी, वहां से लंग्स तक पहुंचेगी। तो इस टाइप का रेस्पिरेशन है वो अपन इनडायरेक्ट टाइप का रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट है ऑर्गन की और रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, जिसके द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इसे अपन क्या है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कहेंगे। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। इनडायरेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स एनिमल में होता है। कॉम्प्लेक्स एनिमल में अपन यूं माने जहां रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाते हैं, जैसे गिल्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनता है, जैसे लंग्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनता है। दो स्पेशल ऑर्गन की अपन बात करें तो ये दोनों ऑर्गन है वो गैसेज को लेंगे, फिर ब्लड को देंगे, ब्लड से ऑर्गन को देंगे। या जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर है वो लंग्स पाए जाते हैं, लंग्स क्या करेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेंगे, फिर ब्लड में डिफ्यूज करेंगे, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा या टिश्यूज तक है। तो अपने अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो इनडायरेक्ट एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है। और तो ये बात आपकी यहां पर समझ में आई होगी। यहाँ अब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो बढ़ आया कि मैं कह रहा हूं इनडायरेक्ट टाइप का जो रेस्पिरेशन है उसके लिए रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। तो क्या सभी एनिमल नेचर के है उसमें ऑल एनिमल हैव सेम टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन? आंसर होगा नो, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सम एनिमल हैव ए सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गन, देन अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल have a complex type of respiratory organ. The different type of respiratory organ is found or found in the different respiratory organs in the different animals. तो many type of organs की यहाँ बात करें, जैसे first मैंने कहा यहाँ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर कोई यहाँ organ नहीं होता, तो directly यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है। तो किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो यहां पर कोई स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अब्सेंट है, ओनली द सेल मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूज करती है O2 और CO2 को। पॉलीमेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, यहां पर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहां पर भी कोई किसी प्रकार का ऑर्गन नहीं होता, डायरेक्ट उसकी बॉडी सरफेस है, जैसे स्पंजेज है, स्पंज के अंदर ऑस्टिया के द्वारा एंटर करेगी, फिर अंदर की तरफ कॉलर सेल पाई जाती है, कोइनोसाइट सेल पाई जाती है, वो क्या ऑक्सीजन को यहां पर ले रही है स्पंजोशियल कैविटी से, तो वह डिफ्यूजन मेथड के द्वारा डायरेक्ट यहां पर ले रही है। ऐसे ट्रिनोफोरा के अंदर यहां बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, तो यहां कोई ऑर्गन नहीं होता। जैसे एनिलिडा की बात करें, एनिलिडा में भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। एनिलिडा में कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे फेरिडियमा, जिसे अपने ये जूलॉजिकल वर्ड है, जिसे अर्थ्रम के नाम से जानते हैं, अर्थ्रम है, उसके अंदर रेस्पिरेशन है मॉइस्ट बॉडी सरफेस के द्वारा होती है। ऐसे रेस्पिरेशन को अपन क्यूटिनियस रेस्पिरेशन कहेंगे, ना नम यहां कह सकते हैं, एक गिल्ली त्वचा कह सकते हैं, नम त्वचा कह सकते हैं, मॉइस्ट स्किन कहते हैं, जो लगातार के ऑक्सीजन को डिजोल्व करके बॉडी के अंदर एंटर करवा रही है और वहां से CO2 को निकाल रही है। तो इस प्रकार से एनिलिडा में फेरिडियमा जो है उसमें मॉइस्ट बॉडी सरफेस है। ऐसी एक एनिमल है नेरिज, नेरिज एक एनिमल है जो सी एनिमल है, और ये एनिमल जो है इसके अंदर है एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन या स्किन, उससे एक स्पेशल ऑर्गन बनता है, इसे कहते हैं पेरापोडिया। एक्चुअल में पेरापोडिया है, इट इज ए लोकोमेंट्री ऑर्गन ऑफ द नेरीज। यहां पर आपसे पूछ सकते हैं कि पेरापोडिया कैसा ऑर्गन है, इट इज ए लोकोमेंट्री ऑर्गन ऑफ द नेरीज, बट यहां इसे नेरीज है ये बनता कैसे है इसमें पेरापोडिया, तो मैं कहूंगा एक्सटेंशन ऑफ द स्किन ऑफ नेरीज यहां पेरापोडिया बनेगा। ये क्या कर रहे हैं, इसकी थिन स्किन होती है वो डायरेक्टली यहां पर सी वाटर से ऑक्सीजन लेती है और यहां CO2 निकाल देती है, तो यहां ये रेस्पिरेशन में हेल्पफुल भी है। किस केस में? नेरिज में। एक्चुअल में ये इट इज ए लोकोमेंट्री ऑर्गन। ऐसे ही अपन कह रहे हैं एक और एनिमल है एम्फीटाइट। किसका एनिमल है? ये एनिलिडा का एनिमल है ये। इसके अंदर ध्यान रखिएगा गिल्स का डेवलपमेंट होता है, एक ऑर्गन बन गया है यहां पर, इसका मीनिंग यहां इनडायरेक्ट टाइप का रेस्पिरेशन करेगा। यहां गिल्स देखिए नेचर में जितने भी एनिमल आएंगे गिल्स आगे भी आएगी। गिल्स दो टाइप के बनते हैं, एक एक्सटर्नल गिल्स और एक इंटरनल गिल्स। एक्सटर्नल गिल्स का मीनिंग गिल्स आर ओपन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इंटरनल गिल्स का मीनिंग गिल्स आर ओपन इनसाइड ऑफ द बॉडी। यहां पर जो गिल्स बने एक्सटर्नल टाइप का गिल्स बना, किसके अंदर? एम्फीटाइट के अंदर बना एक्सटर्नल गिल्स, जो रेस्पिरेशन कर रहा है, जो यहां ब्रीदिंग कर रहा है यहां पर। यह एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवोल्यूशन का बनता है कि नेचर में
गिल्स सबसे पहले किस ग्रुप के एनिमल में डेवलप हुए थे? तो अब तक आपने पढ़ाया गिल्स वर्ड आता है तो आप कहते हो कि फिशेज गिल्स के द्वारा रेस्पायर कर रही है, लेकिन नहीं, गिल्स एक्चुअल में एनेलिडा में सबसे पहले डेवलप हुए। इससे पहले के ग्रुप है, इवोल्यूशन के बेस पे देखें तो वहां गिल्स नहीं बनते हैं। फर्स्ट टाइम ऑफ गिल्स डेवलप इन द एनेलिडा विच एनिमल? एम्फेटाइट एनिमल हैज एक्सटर्नल गिल्स नॉट इंटरनल गिल्स। इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो यहां पर एक्सटर्नल गिल्स के द्वारा होगा। तो ये बात आपके यहां पर समझ में आई है कि एनेलिडा में जो रेस्पिरेशन होता है यहाँ गिल्स के द्वारा होता है, और वो भी गिल्स कैसे हैं? एक्सटर्नल टाइप की गिल्स होती है। तो यहाँ ऑर्गन का जो डेवलपमेंट हुआ सबसे पहले, तो ये ऑर्गन यहाँ एनेलिडा में बने गिल्स के रूप में। इसके बाद में और ऑर्गन की बात करें तो यहाँ नेक्स्ट इसके आगे एक ग्रुप आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा के केस में आप जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा नेचर का लार्जेस्ट फाइलम है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, सबसे ज्यादा अडेप्टेशन हुआ है। ब्रीदिंग का अडेप्टेशन सबसे ज्यादा इसी में हुआ है, इसलिए इसके एनिमल ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाता है? तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ऑर्गन डेवलप होते हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ पर प्रोन की बात करें, प्रोन एक एनिमल है उसके अंदर, या एक एनिमल अपन बात करें क्रेफिश की बात करें, क्रेफिश है, प्रॉन जिसे झींगा फिश के नाम से भी जानते हैं, एक एडिबल एनिमल है ये, फूड सी फूड है ये, और क्रेफिश है। इसके अंदर यहां पर रेस्पिरेशन के लिए यहां पर भी गिल्स, वेल डेवलप गिल्स होते हैं। गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऐसे रेस्पिरेशन को अपन कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ध्यान रखना यहां पर इस रेस्पिरेशन को अपन कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो प्रोन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। गिल्स से, वेल डेवलप गिल्स से जहां रेस्पिरेशन होता है तो वहां पर एक टर्म यूज करते हैं गिल्स के लिए, उसको अपन कहेंगे ब्रेंकियल वर्ड कहेंगे। तो ऐसा रेस्पिरेशन होगा ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ऐसे ही अपन आगे बढ़ ले इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट में जैसे कॉकरोच लिया, कॉकरोच एक एनिमल है। दूसरा इंसेक्ट आप ले सकते हो जैसे ग्रास ऑपर ले सकते हो, कोई भी इंसेक्ट लिया। इसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो इसमें यहां ट्रेकिया पाया जाता है, ट्रेकिया द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को यहां ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहेंगे यहां। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, ट्रेकिया का मीनिंग है यहां पर भी ऑक्सीजन है एक ट्यूब के द्वारा डायरेक्ट टिश्यू तक पहुंचती है, ब्लड का इसमें कोई योगदान नहीं है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। तो ऐसे यहां जो रेस्पिरेशन की क्रिया है मैकेनिज्म है, इसे अपन ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। इसके बाद में एक एनिमल और आता है जिसे अपन कहेंगे स्पाइडर, और इसके साथ में एक एनिमल और लेते हैं स्कॉर्पियन। स्पाइडर मकड़ी स्कॉर्पियन बिच्छू जिसे कहते हैं, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसके, इसको अपन कहेंगे बुक लंग्स का मीनिंग है यहाँ लंग्स के जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक पेज ऑफ बुक के यहाँ, तो बुक के पेज जैसी यहाँ स्ट्रक्चर बन रही है इसलिए अपन बुक लंग कहेंगे यहाँ। तो ऐसा रेस्पिरेशन है वो किसमें होता है? तो स्पाइडर और स्कॉर्पियन के अंदर। ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है लेकिन यहां पर रेस्पायर ब्रीदिंग के अंदर ये सब कुछ अपने को साथ साथ में अध्ययन करना होगा, ये क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां कंपेयर करते हैं। इसके बाद में एक एनिमल है किंग क्रेब के नाम से जानते हैं, या इसे लिमुलस कहते हैं। इस लिमुलस के यहाँ रेस्पिरेशन के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाती है ऐसी स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे बुक गिल्स। यहाँ गिल्स जो है उसकी स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक बुक पेज होते हैं, तो इसलिए अपन इसे बुक गिल्स कहते हैं। एक एक्वाटिक एनिमल है किंग क्रेब, और इसे अपन लिविंग पोस्टियल के नाम से भी जानते हैं। टेक्सोनॉमी का एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर लिविंग पोस्टियल है, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो बुक गिल के द्वारा यहाँ पर रेस्पिरेशन हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आर्थ्रोपोड के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है, ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद में और आगे ले गए अपन आर्थ्रोपोडा के बाद में आता है मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के रूप में अपन इसे जानते हैं। मोलस्का के अंदर है यूनियो एक एनिमल है, इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए यहां पर क्या पाया जाता है यूनियो में? तो आपका आंसर आएगा
टीनिडिया एक स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक इसके गिल्स का दूसरा नाम टीनिडिया अपन कहते हैं यहाँ। तो यूनियो में ऐसी पाइला के अंदर भी यहाँ पर टीनिडिया एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, टीनिडिया। इसके अलावा पल्मोनरी सैक है, पल्मोनरी सैक को अपन कई बार इसे टेरेस्ट्रियल फॉर्म में लंग्स भी कह देते हैं। ये तो पल्मोनरी सैक के यहाँ स्पेशली जो ऑर्गन होता है ये मोलस्का के अंदर, या टीनिडिया है मोलस्का के अंदर, तो ये इस प्रकार से रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर इसके बाद में आप देखिएगा आगे अपन चले तो नेक्स्ट यह ग्रुप आता है इकाइनोडर्मेटा एक हायर ग्रुप है यहाँ पर नॉन बॉडेट्स का, जहां अपन कह सकते हैं एक ऐसा एनिमल है जिसके लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री और एडल्ट के अंदर यहाँ पर रेडियल सिमेट्री, वो भी पेंटा रेडियल टाइप की सिमेट्री होती है, इसीलिए इसे हायर ग्रुप में रखा क्योंकि लार्वा के करेक्टर क्या हायर करेक्टर है। या इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाती है जैसे स्टार पीस इसका एनिमल है, इसके अंदर यहाँ ट्यूब फिट जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पाई जाती है जो रेस्पायर कर रही है। ट्यूब फिट एक्चुअल स्टारबीस में ध्यान रखिएगा, इट इज ए लोकोमेंट्री ऑर्गन, स्टारबीस है के अंदर ट्यूब फिट लोकोमेंट्री ऑर्गन है, लेकिन इसकी थिन वाल है वो गैसेज का एक्सचेंज कर रही है, इसलिए अपन इसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी मान सकते हैं। इसे लोकोमेंट्री ऑर्गन तो मेन ऑर्गन है, साथ में ये हेल्पफुल है रेस्पिरेशन में। ऐसी ही कुछ और एनिमल है जिसके अंदर अपन कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्री जैसे, या अपन कह सकते हैं क्लोइकल ट्री भी कह सकते हैं। ऐसे एनिमल है जिसके क्लोइका पार्ट के अंदर, जो क्लोइका रीजन है उसके अंदर है कुछ रेस्पिरेशन करने वाली ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो इसे एनिमल को अपन कहेंगे यहाँ कि काइनोडर्मेटा में रेस्पिरेशन है वो क्लोइकल रीजन के द्वारा भी होता है। तो ये बात हुई नॉन कॉर्डेटा के डिफरेंट एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन हुआ। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो कॉर्डेटा के अंदर रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, उसके लिए डिफरेंट ऑर्गन है, जहां गिल्स का डेवलपमेंट भी होता है, यहाँ एयर सैक का डेवलपमेंट भी होता है, यहाँ पर लंग्स का डेवलपमेंट भी होता है। तो ये कैसे होता है, कैसे यह रेस्पिरेशन करेगा, तो ये इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसे अक्सर स्टूडेंट है वो छोड़ देते हैं, और एग्जाम में यहां से एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन बना के पूछ लेता है और अपने क्वेश्चन क्या गलत हो जाता है। तो आप इसको एक बार दो बार इस वीडियो को देखोगे तो लर्न हो जाएगा ये नाम कुछ और इसके कंसेप्ट लर्न हो जाएंगे, तो आने वाले एग्जाम में हमारे क्वेश्चन क्या है सब क्या राइट क्वेश्चन होंगे और हम क्या है सब एक अच्छी रैंक के साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिलेक्ट होंगे। तो इसी के साथ में मैं नेक्स्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यहाँ पर कहते हैं कि जो देता है उसको ऊपर वाला और ज्यादा देता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को बोलोगे शेयर करने के लिए तो आपको निश्चित तौर पर ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो ड्रीम जो रैंक है आपको इससे मिलेगी। तो इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच, वेलकम, और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट मिलेंगे।